हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के तुम लोग समझ गए होगे दैट टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट हॉन्टेड डॉल्स। आज के टाइम पे इंटरनेट में ऐसे डॉल से रिलेटेड कई सारे कैमरा रिकॉर्डेड फुटेजेस एंड वीडियोस हैं जिनमें लोगों ने जाने अनजाने में कुछ हॉन्टेड डॉल्स को कैप्चर कर लिया है। एंड आज के इस वीडियो में हम इन्हीं हॉन्टेड डॉल्स को देखने वाले हैं। सो आई होप यू गाइस आर रेडी टू हैव अ लुक एट सम रियल हॉन्टेड डॉल्स, एंड इफ यू आर रेडी देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस पहले वीडियो को माइंड सीट टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने अपलोड किया था। जो इस चैनल का ऑनर है उनका नाम है कैसी। कैसी ने ईबे शॉपिंग साइट पर एक हॉन्टेड डॉल को देखा। जस्ट बिकॉज उन्हें ऐसे पैरानॉर्मल चीजों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए उन्होंने उस हॉन्टेड डॉल को ऑर्डर कर लिया। उस डॉल के प्रीवियस ऑनर ने, यानी कि वो इंसान जो उस डॉल को वहां पे बेच रहा था, उन्होंने कुछ चीजें काफी क्लियरली मेंशन करी थी। उसने मेंशन करा था कि एक एक्चुअल हॉन्टेड डॉल है एंड इस डॉल के साथ उसने कई सारी पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस भी करी है। कई बार इस डॉल के अंदर से उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी है। इस डॉल के वजह से उसको कई बार नाइटमेयर्स आते हैं, ऐसे नाइटमेयर्स जिसमें वो कुछ अनएक्सप्लेनेबल फिगर्स को देखता है एंड जिनके वजह से वो कभी सो भी नहीं पाता। जब पहले पहले कैसे इस डॉल को रिसीव करते हैं तो वो अपना थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड वो अपने इन्वेस्टिगेशन से उतना ज़्यादा खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। Kind of electro field or electromagnetic frequency going on with this. Not getting anything yet. Maybe I need to communicate with Molly a little bit. Molly, if there are any spirits attached to you, can you please let yourself be known? But then वो डिसाइड करते हैं कि इस डॉल को वो थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ेंगे एंड उस डॉल के सामने वो एक कैमरा को फिट कर देते हैं। वो लगभग एक रात तक उस डॉल को ऐसे अकेले छोड़ देते हैं। पर जब वो अगले दिन उस कैमरा के फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें उसमें ऐसा कुछ दिखता है जो शायद उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इसके बाद वो ये भी मेंशन करते हैं कि उस रात उन्हें काफ़ी डरावने नाइटमेयर्स आए थे एंड अपने नाइटमेयर में उन्होंने एक ब्लैक शैडोय फिगर को देखा था जिसके वजह से वो पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाए थे। अब इन सब चीज़ों के होने के बाद उन्हें एक चीज़ क्लियरली तो पता चल जाती है कि जो भी चीज़ें उन डॉल के बारे में लिखी हुई थी वो सब सच थी एंड वो एक हॉन्टेड डॉल है। उसके अगले ही दिन वो उस डॉल से पीछा छुड़ाने के लिए उसको आग में डाल देते हैं एंड उस डॉल को कम्प्लीटली जला देते हैं। वाया व्लॉग्स नाम के एक यूट्यूबर ने अपने चैनल में हमेशा से एक चीज़ को मेंशन करा हुआ है। उन्होंने अपने कई वीडियोस में बात करा हुआ है अबाउट ए 1940s क्लाउन डॉल जो कि उनके घर में है एंड उनका कहना है कि शायद वो डॉल एक हॉन्टेड डॉल है। एक व्लॉग में वो अपने उस रूम में सोए होते हैं जिसमें वो हॉन्टेड डॉल रखा गया था। While he was going to sleep, उस हॉन्टेड डॉल के पास में एक म्यूजिक बॉक्स रखा होता है जो अपने आप बजने लगता है। इस चीज़ से वो थोड़ा बहुत डर जाते हैं एंड उस चीज़ को रिकॉर्ड करने लगते हैं। Alright, YouTube. I've just sitting down, getting ready to go to bed. And the fucking music box up there just starts playing. वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर ही रहे होते हैं कि तभी वो कुछ ऐसा कैप्चर करते हैं। TV belonged to her, actually belonged to her mother. And she said that she calls it squeaky because at night you could hear the doll squeak, which I did hear it squeak. Holy shit. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Did you guys see that? My fucking hands are shaking.
अब ऐसा किसी के भी साथ अगर होता है तो वो बंदा तो डर ही जाएगा। एंड सिमिलरली वाया व्लॉग्स भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एंड उसी मोमेंट पे उस डॉल को लेकर के एक लॉकर के अंदर बंद कर देते हैं। एंड वो ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ही सुबह होगी वो उस डॉल के लिए कुछ ना कुछ करेंगे एंड उससे कम्प्लीटली पीछा छुड़ाएंगे। हे एवरीवन, सो डोंट वरी, और भी हॉन्टेड डॉल्स के क्लिप्स हैं जो अभी तुम देखोगे वीडियो में आगे, बट एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। आई डोंट नो अगर तुम में से किसी को ये क्यूट लग रहा हो, बट मेरे को तो ये काफ़ी क्रीपी लगता है। सो मैंने यहाँ पे मतलब जितने भी डॉल्स थे मेरे पास उनको मैंने यहाँ पे बिठा दिया ऐसे सजा के। तो अभी तुम इस अगले वीडियो में देख सकते हो जिसमें एक लड़की एक डॉल के साथ खेल रही होती है। देर इज अनदर डॉल इन द कॉर्नर ऑफ द रूम जिसको उसने अकेला छोड़ा हुआ है एंड वो डॉल वहां पे बैठा हुआ है। बट इफ यू फोकस ऑन द डॉल जो वहां पे कॉर्नर पे है, वो स्लाइटली अपने आप मूव करने लगती है। एक्चुअली में इस घर की एक बैक स्टोरी है। जो उस घर में रहते हैं उनके ऑनर को ऐसा लगता है कि उनका घर एक्चुअल में हॉन्टेड है। एंड जस्ट बिकॉज पहले भी उन्होंने कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेस कर रखी है, इसीलिए उन्होंने पूरे घर में कैमरास फिट कर रखे हैं। एंड उनके इन सारे कैमरास में कई बार बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पहले भी कैप्चर हो चुके हैं, लेकिन शायद ये पहली बार होगा जब उनके एक कैमरा ने एक हॉन्टेड डॉल को कैप्चर किया। इस अगले क्लिप में तुम देख सकते हो एक लड़की को जो दो बार भी डॉल्स के साथ खेल रही है। वो नॉर्मली उन डॉल्स के साथ खेल रही होती है लाइक एनी अदर किड, बट बाद में उस वीडियो में कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इन दिस वीडियो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि जो बारबी डॉल होती है वो अचानक से मतलब कि सडनली उस लड़की को देखती है एंड उसका हेड मूवमेंट देख के वो लड़की खुद भी डर जाती है एंड चिल्लाने लगती है एंड इतने शॉक में वो पीछे गिर जाती है। एंड ये बात तो और भी ज़्यादा डरावनी है कि ये पूरी चीज़ एक वीडियो में कैप्चर हो जाती है। अब ये जो वीडियो है ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर है पिछले वाले वीडियो से। इस वीडियो में कोई फैमिली मेंबर एक काफ़ी स्वीट सा फैमिली मोमेंट को अपने वीडियो कैमरा में कैप्चर कर रहा होता है। जो सामने वीडियो में लड़की दिख रही है शायद आज उसका बर्थडे है एंड इसीलिए उसे गिफ्ट में काफ़ी क्यूट लुकिंग डॉल दिया गया है। आई नो ये डॉल कुछ लोगों को थोड़ा डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी लग सकता है, बट वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश है उस गिफ्ट से। एंड जब वो लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उनके कैमरा में कोई क्यूट मूवमेंट या फिर कोई हैप्पी मूवमेंट कैप्चर नहीं होता, बल्कि एक काफ़ी डिस्टर्बिंग एंड स्कैरी मूवमेंट कैप्चर हो जाता है। मंचन
फिर से इस वीडियो में वंस अगेन एक डॉल उस लड़की की तरफ अपने आप मूव करके देखता है। एंड जब वो लड़की उस चीज़ को नोटिस करती है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट होकर उस डॉल को फेंक देती है एंड कम्प्लीटली डर जाती है। सो मैंने यहाँ पे मतलब जितने भी डॉल्स थे मेरे पास, ये वाला तो बहुत गंदा है, हाँ तो मतलब जितने डॉल्स थे मेरे पास उनको मैंने यहाँ पे बिठा दिया ऐसे सजा के लाइन से। ओ दिस वन्स एक्चुअली क्यूट बट देखता है। सो अभी मैं इस कैमरा को यहाँ पे छोड़ दूंगा एंड इनको कम्प्लीटली अकेले छोड़ दूंगा एंड आई होप कि तुम में से कोई भी कुछ भी बातें नहीं करेगा, ना ही कोई मूव करेगा, ना कुछ करेगा, प्लीज़ प्लीज़। सो मे बी फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स या कुछ मैं इनको ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। सो लेट मी फिक्स द फ्रेम। रूम में किसी भी तरह का कोई आउटर डिस्टर्बेंस नहीं है, ना कोई हवा, ना कोई फैन की वजह से, ना फैन ऑन है ना कोई हवा हो रही है। सो अगर इनमें से कुछ भी हिलता है तो आई डोंट नो उसका क्या रीज़न होगा उसके पीछे। सो मैं तुम्हें यहाँ पे और ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। मैंने इस पूरे 30 मिनट के वीडियो को अच्छे से देखा है एंड पूरे वीडियो में कहीं पर भी कोई भी डॉल मूव नहीं करता एंड ऐसा कुछ भी पैरानॉर्मल इस वीडियो में नहीं होता एंड एवरीथिंग वाज जस्ट नॉर्मल जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट हाँ, एक अजीब चीज़ हुआ था। जब उस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो बीच में मैं एक बार चेक करने गया था कि कहीं कैमरा बंद तो नहीं हो गया एंड रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। एंड तब मैंने एक काफ़ी अजीब चीज़ को नोटिस किया कैमरा में एंड उस चीज़ को मैंने तभी रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखाना चाहिए। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। सो आई जस्ट केम टू चेक कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे एंड देयर समथिंग गोइंग ऑन विद द फोकस ऑफ द कैमरा। अपने आप फोकस शिफ्ट हो रहा है फॉर सम रीज़न। आई डोंट नो कैमराज नॉर्मली ऐसा करते हैं या नहीं। ओ ये थोड़ा अजीब है।